टुडे वी आर एट द टीचर्स कॉलोनी मेकर तहसील डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा महाराष्ट्र स्टेट मिस्टर नितीन गारोळे कॉल स्नेक फ्रेंड वंदा बोराडे फॉर रेस्क्यूइंग द स्नेक्स द एक्सीडेंट स्नेक बिटवीन द गार्डन ऑफ द हाउस दिस इज द रिसर्चिंग by snake friend Vanita Borade. We will soon see the fantastic snake which is now trying to catch the lively by snake friend Vanita Borade. This is a very difficult situation. The snake has been hidden between the material of building. Madam, the empty leaf guard. पालीमुळे एवढं झालं दिस इज द व्हेरी फास्टेस्ट स्नेक विच इज कॉल्ड द रेसर इन इंग्लिश विच इज अ व्हेरी स्पीडी स्नेक इज हिडन बिटवीन द बिल्डिंग मटेरियल विच इज व्हेरी फॅन्टास्टिंग यू कॉल द मराठी धुलनागिन व्हेरी ब्युटिफुल स्नेक सक्सेसफुली रेस्क्यूड बाय स्नेक फ्रेंड वरिता बोराडे. We are seeing here the snake is the important part of the nature and environment. It is also the very beautiful, and its snake is the worship for the environment. In the nature chain, this gives the lizards and that categories of small reptiles and clean the our nature and environment. Snake is a very very useful, beautiful and very important part of our food chain and nature life. So please save our snakes. Do not kill the snakes. Snake friend Vanita Borade is the president of Soyri Vanachare Foundation, multi-purpose foundation maker with the collaboration of PFA, the Honorable Woman and Child Minister Manikaji Gandhi, which is runs this international animal conservation society. We will soon release this snake with the collaboration of forest in proper habitat. Thank you very much for helping us, calling us. Save our snakes, save our environment. Do not kill the snake. तुम्ही कशाला घाबरता? लहानपणी भीती गेली बघ. हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र की प्रथम महिला सर्पमित्र वनिता बोराडे. इन्होंने हमारे परम मित्र आदरणीय श्री नितिन जी गारोळे के घर में घुसा हुआ एक बहुत ही सुंदर सांप जो दिखने में हूबहू नाग जैसा दिखता है. इसको मराठी में धुर नागिन कहते हैं. ये सांप बिन जहरीला होता है लेकिन प्रथमदर्शी इनका जो रूप है और दिखना है वो हूबहू नाग की जैसे नाग फन बनाता है हुड निकालता है और ये सांप फन निकालता नहीं. बस दोनों में इतना ही अंतर है. वास्तव में देखा जाए तो ये बिन जहरीला होकर भी नाग के जैसा ही सांप है और इसको धुर नागिन ही समझा जाता है. हम लोग देख रहे हैं आज महाशिवरात्रि का शुभ पर्व है. पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और इस उपलक्ष्य में सांपों को भी लोग शिव जी का आभूषण समझ के उसको एक भगवान के रूप में मानते हैं और आज के दिन में कम से कम सांप की हत्या ना हो जाए ऐसी कोशिश करते हैं. ऐसे इस अति पावन पर्व पर आज के इस सोमवार के दिन पर नितिन जी गारोळे जो कि हमारे वरोड़ी के परमहंस तेजस्वी संत जो विदेही संत हैं तेजस्वी महाराज इनके संस्थान से जुड़े हुए धार्मिक परिवार के लोग हैं और आज शिवरात्रि के महापर्व पर उन्होंने सर्पमित्र वनिता बोराडे जी को कॉल करके अपने घर में घुसा हुआ ये सांप उसकी हत्या होने से उसको बचाया है मारने नहीं दिया है. हम इस सांप को वातावरण एवं पर्यावरण का मित्र समझकर वन विभाग के माध्यम से जंगल में छोड़ देते हैं. अभी तक महाराष्ट्र में सर्पमित्र वनिता बोराडे जी के द्वारा 51,000 से भी ज्यादा सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया है. हम इस सांप को भी इसके नैसर्गिक आदिवास में छोड़ देंगे. सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाइयां शुभकामना धन्यवाद. टुडे ऑन द एस्पिशियस ऑकेजन ऑफ महाशिवरात्रि इन आवर होल कंट्री वेरी स्पिरिचुअली एंड डिवोशनल सिचुएशंस
all publics are celebrating the Mahashivratri, and the snake is the very important part of the spiritual life because it stands in the neck of the Lord Shiva. So many people say the snake is also the god, and about this spiritual thinking, nobody should kill the snake on the occasion of the Mahashivratri, because some traditional thinkers and devotional devotees are thinks about the snake that he is the ornaments of the Shiva. So it's very auspicious and very valuable for our culture and devotional culture. So the snake is also the in the realistic the importance part of nature and environment. It's also help the environment because it's eat the lizards and keep the environment clean. And in the food chain of our country, the snake is a very important part. And also about the constitution, the 1975 the Animal Cruelty Act against of the Wild Protection Act. Snake is the also the national property of our forest department and government. So it's our duty to conserve the snake by law. So the against of Animal Cruelty Act new amendment 2002, our India's animal conservator and well known honorable woman and child minister Manekaji Gandhi makes the new law about the snake conservation, that the Schedule 1 snakes are protected by the act. And now in the Wildlife Act of India, protect all the reptiles like the lizards, snakes and also tortoise. So please save our snakes, save our environment and keep the security of our national heritage and national properties. It's our national duty to conserve the snakes. So in Maharashtra, snake friend Vanita Borade have awakened about the social, environmental and also the logical things about the snakes. And people are now help us, they call the snake friend and also help us in conserving the snakes. So we will soon release the snake today with the cooperation of Forest Story Venture and Multipurpose Foundation. This is the very important moment for us. We are stand in the SDPO office of Maker. Honorable Deshmukh sir, Honorable Bhalerao sir, Shinde sir, amazingly observing the snakes. This is the non-poisonous racer snake, which is also like as the cobra, but it is not harmful. It is very useful, beautiful and very important for us. When we will see the snake nearly and touch it, we will surely should be a very courageous and our threats will be gone away by handling the snakes. So this is non-poisonous, safe and secure snakes. Don't be afraid. This is a very fantastic snake. Thank you, sir. Thank you for touching the snakes and admiring about the snake touch. Snake is the cold-blooded animal, so it's likes as the very cool. Its body is like as the ice. It can't be live in the above the temperature of 33 degrees Celsius. It's a cold-blooded animal, useful, harmless and beautiful. It's the property of forest and our civil life. So do not kill the snake, save our environment, save our snakes. Thank you very much.